गिरिडीह जिले के अंतर्गत देवरी प्रखंड मुख्यालय स्थित बजरंगबली मंदिर प्रांगण में देवरी के पोषण सखी द्वारा पोषण सखी रूपा रानी की अध्यक्षता में एक बैठक किया गया। बैठक में मुख्य रूप से सरकार द्वारा सेवा समाप्ति के पत्र दिए जाने का विरोध किया गया। साथ ही कहा गया कि हम लोग बीते 6 वर्षों से काम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी का सेविका सह पोषण परामर्शी का चयन 2016 में सरकार के दिशा निर्देशानुसार किया गया था। 2016 से लेकर 2022 तक आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण, कोविड 19 का सर्वेक्षण, सब वैक्सीनेशन, पोलियो, BLO, कुपोषित बच्चों का सर्वे एवं MTC में दाखिला सहित केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निष्ठापूर्वक कार्य किया गया। झांसे में रहकर रांची का धरना अनशन तुड़वाकर सहानुभूतिपूर्वक सेवा स्थायी करने के बजाय हेमंत सरकार ने पोषण सखी को सेवा मुक्त करने का तुगलकी फरमान जारी कर पोषण सखियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अगर हम लोग को दोबारा सेवा में नहीं लिया गया तो हम लोग सरकार के सामने सामूहिक रूप से आत्मदाह कर अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। मौके पर रूपा रानी, रूवी देवी, बसंती मुर्मू, रिंकी कुमारी, पूनम कुमारी, मीरा कुमारी इत्यादि लोग स्थित थे। क्या आप लोग का? हमारी समस्या ये है कि हम 5-6 साल से काम कर रहे थे। 2015 में सरकार ने बहाली किया और आज सरकार ने हमें सेवा समाप्ति का पत्र दे दिया। हम 23 फरवरी से ही धरना पर बैठे थे रांची में। सरकार ने हमें 2 बार आश्वासन दिया, जोबा मांझी जी ने, जगन्नाथ महतो जी ने, उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया। हर एक मंत्री के दरवाजे गए, हम सब ने हमें ये आश्वासन दिया कि हाँ आप लोगों के साथ में आप लोगों पर विचार किया जाएगा, आप लोगों के ऊपर आप लोगों के लिए भरोसा दिलाया कि कुछ अच्छा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सरकार ने 24 तारीख को हमारा धरना समाप्ति करवाकर 25 तारीख को ही हमारी सेवा समाप्ति का पत्र निकाल दिया। ऐसे में सरकार हमें हमारे परिवारों सहित बेदखल कर रही है। हमारे पास में हमारे परिवार का भरण पोषण के लिए मात्र एक यही नौकरी थी। 5-6 साल से हम काम कर रहे हैं। घर घर जा कर के हमने सर्वे किया, कोरोना काल में हमने काम किया और आज सरकार हमें इस नौकरी से हटा करके हमारे पास एक ही रास्ता रख रही है, सिर्फ और सिर्फ आत्मदाह का। हमारे पास इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। अब हमारी सरकार से यही गुजारिश है, या तो हमारी सेवा जारी रखी जाए या फिर हम सभी लोग पेट्रोल डालकर हेमंत सरकार के दरवाजे पर ही आत्मदाह करेंगे। पोषण सखी एंड BLO देवरी प्रखंड से बोल रही हूँ। हम सभी पोषण सखियों को पोषक क्षेत्र के अलावा हम लोगों से सरकार महिला होने के बावजूद हम घर घर जाकर कोरोना काल में भी बीते हुए सालों में से सबसे बेहतर कार्य, जब से हम लोगों को BLO का कार्य मिला है तब से सबों से बेहतर किए हैं। फिर भी सरकार हम सभी पोषण सखियों को के साथ अन्याय किए हैं। अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो इसका बहुत बुरा हाल होगा। सभी ने निर्णय ले लिया है कि आत्मदाह के सिवाय इसका कोई रास्ता नहीं है। जिस समय नियुक्ति की गई थी पोषण सखी की, उस समय सबका क्वालिफिकेशन देखते हुए किया गया था कि जिसका क्वालिफिकेशन हाई होगा उसी को मतलब पोषण सखी का बहाली किया जाएगा उसी का। लेकिन उस समय भी बहुत हम लोग के साथ दिक्कत हुआ था और अभी हम लोग के साथ बच्चा जिस तरह खेलता है और खिलौना तोड़ता फोड़ता है उसी तरह हम लोग के साथ सरकार कर रही है। ऐसी सबके साथ हो रहा है लेकिन सब बर्दाश्त से ही बाहर है, कोई इसे संतुष्ट नहीं है और सब आत्मदाह करने के लिए तैयार है बोल रही है। वही हेमंत जी के आवास के बगल में ही सब हम लोग उसी का घेरावा डाल के वही सब साथ मिल के मरेंगे एक साथ।